क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, अमित बाई अ फ्यू ग्राम्स ऑफ गोल्ड, अमित ने कुछ ग्राम गोल्ड खरीदा एट द पोल एज पर द इंस्ट्रक्शन, और उसने कहाँ पे खरीदा था, पोल पे, वो किसी पोल पे था। अर्थ के दो पोल होते हैं आपको पता है, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है, ठीक है, और बीच वाली लाइन को हम इक्वेटर कहते हैं। तो उसने पोल पे खरीदा था अपने दोस्त से कुछ जो है गोल्ड, कुछ ग्राम गोल्ड खरीदा था। ही हैंड ओवर द सेम व्हेन ही मीट हिम एट द इक्वेटर, और उसने ये अपने दोस्त के लिए खरीदा था एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ हिज फ्रेंड, और वो उसको हैंड ओवर करता है अपने दोस्त को इक्वेटर पे जा करके। तो उसका दोस्त कहाँ रहता है, इक्वेटर पे, जो हमारी ये सेंटर लाइन होती है जिसे हम भूमध्य रेखा हिंदी में कहते हैं। तो इक्वेटर पे जा करके वो उसको देता है, यानी वो किसी एक पोल से इक्वेटर तक जाता है। अब विल द फ्रेंड एग्री विद द वेट ऑफ गोल्ड, क्या अगर मान लो वो 10 ग्राम गोल्ड खरीदा उसने नॉर्थ पोल पे, तो क्या इक्वेटर पे उसका वेट सेम रहेगा, क्या वो 10 ग्राम गोल्ड ही उसको देगा, कम हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा। अगर नहीं तो हिंट ये है कि वैल्यू ऑफ जी जो है वो ज्यादा होती है पोल पे इक्वेटर की बजाय। तो ये हिंट जो दी है वो बहुत अच्छी हिंट दी है, अब इससे आप समझ सकते हैं। तो वेट क्या होता है, डब्ल्यू होता है एम इंटू जी, और जी हर एक पॉइंट पे बदलता रहता है। अब जी की वैल्यू पोल पे अलग है, पोल पे थोड़ी ज्यादा हो जाती है और इक्वेटर पे थोड़ी कम हो जाती है, स्लाइटली चेंज होता है। जैसे सपोज कर लो कि इक्वेटर पे 9.7 है और पोल पे 9.8 है। तो अब क्या हुआ कि मास हमेशा कांस्टेंट रहता है, तो मास हमेशा कांस्टेंट रहता है और बदलता क्या है, वेट। तो मान लो आपने क्या खरीदा, 10, आपने एक गोल्ड खरीदा जिसका मास था 10 ग्राम, 10 ग्राम मास था, समझने की कोशिश कीजिए, 10 ग्राम मास था। अब उसमें जी, जब आप पोल पे इसका वेट करवाएंगे तो जी पी जो है वो 9.8 है, बट जब आप इसका इक्वेटर पे वेट वेट कराएंगे तो वो जी ई की वैल्यू 9.7 है। तो अब 9.8 और 9.7 का जो डिफरेंस ये आया, इस 9.8 इंटू 10 करने से यहाँ पे जब वेट करोगे पोल पे तो वो 98 ग्राम आएगा, या 98 न्यूटन आएगा, सॉरी ग्राम नहीं, और जब इक्वेटर पे वेट करोगे तो वो 97 न्यूटन आएगा। क्लियर है, क्योंकि 97 इंटू 10 करोगे तो 97 न्यूटन आएगा। तो यहाँ एक डिफरेंस क्रिएट हो गया, 1 न्यूटन की गड़बड़ हो गई, कहाँ से, आपको पोल से इक्वेटर आने में, ध्यान से समझ लेना, पोल से इक्वेटर आने में, क्योंकि ग्रेविटी की वैल्यू चेंज हो गई, ग्रेविटी की वैल्यू कम हो गई, इसलिए वेट थोड़ा कम महसूस होगा। मास तो सेम रहता है, मास कांस्टेंट होता है, वेट कम हो गया, मास चेंज नहीं होता, मास क्या होता है, कांस्टेंट होता है, चेंज क्या हो गया, चेंज हो गया वेट। तो आंसर कैसे लिखेंगे, देखिए आंसर, द वेट ऑफ द बॉडी ऑन द अर्थ सरफेस इज डब्ल्यू इक्वल टू एम जी, द वैल्यू ऑफ जी इज लॉट ऑफ एट द पोल्स इन कंपेयर टू द इक्वेटर, इसका मतलब पोल्स पे ज्यादा होती है इक्वेटर के कंपेरिजन में। सो द गोल्ड कैन वेट लेस एट द इक्वेटर, तो गोल्ड का वेट कम हो जाएगा इक्वेटर पे कंपेयर टू द पोल्स, पोल्स की कंपेरिजन में। इसलिए अमित का जो फ्रेंड है, देयर फॉर अमित फ्रेंड वुड नॉट बिलीव, उसको विश्वास नहीं होगा, वुड नॉट बिलीव द लोड, और यहाँ पे हम टर्म यूज कर सकते थे वुड नॉट बिलीव द वेट, वुड नॉट बिलीव द वेट ऑफ द गोल्ड बाउटेड बाई हिज अमित, बाउटेड बाई अमित। तो अमित ने जो गोल्ड खरीदा उस पे उसका दोस्त विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि उसने जब मेजर किया तो इक्वेटर पे मेजर किया, वहां कम है, अब जब अमित ने मेजर किया था उसने पोल पे मेजर किया था, वहां पे ज्यादा था, वहां पे मान लो 9.8 जी की वैल्यू थी, और तो इसलिए उसके वेट ज्यादा था। क्लियर।